अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज जो है मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ, और बल्कि रिव्यू क्या देने वाला हूँ, एक टास्क करने वाला हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ कि सस्ता और मज़ेदार फूड कहाँ मिलेगा। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, आज भी मैं इंशाल्लाह आपको किसी अच्छी जगह का रिव्यू देता हूँ और बताऊंगा कि कैसा खाना है और किस तरीके की जो है वैरायटी है और क्या क्या है। तो जिस जगह जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि कहाँ जा रहा हूँ, सारा कुछ मेंशन करता हूँ। सो लेट्स गो। हाँ तो भाई, सोच विचार के बाद दिल में ख्याल ये आया कि आज आप लोगों को नवाब रोल एंड बारबेक्यू जो है उसका रिव्यू देते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि कैसे हैं रोल वगैरह उसके। तो रोल ही खा के देखेंगे और चेक करते हैं उसका फिर। लेट्स गो। तो भाई आपका भाई नवाब रोल पे खड़ा हुआ है इस वक्त, और जो है मलाई रोल का मैंने ऑर्डर दे दिया है भाई। तो देखते हैं, चेक करते हैं, रिव्यू देते हैं आपको कि चिकन मलाई रोल इनका कैसा है और बाकी रोल भी काट के बताएंगे आपको। तो पहले चेक करते हैं इनका मलाई रोल। हाँ तो भाई, रश बहुत है तो ऑर्डर अभी लगा हुआ है मेरा, एक रोल के लिए भी खड़ा होना पड़ रहा है भाई। तो चेक करते हैं कितनी देर लगती है। खैर, लेकर घर चलते हैं और फिर रिव्यू देते हैं। हाँ तो भाई लोग, आ गया हूँ मैं घर रोल लेकर, और मलाई रोल मैंने लिया था, मैंने बोला चले ट्राई करते हैं और फिर रिव्यू देता हूँ आपको ज़बरदस्त किस्म का। तो लेट्स गो। हाँ तो भाई, अब मैं ट्राई करने लग गया हूँ इसका मलाई रोल। तो ये रहा रोल, ये खा के चेक करते हैं इसमें क्या रहा है। रोल बहुत मज़े का है, जो इसमें मलाई बॉडी है बहुत जूसी और बहुत ज़बरदस्त है। बस ये साइज़ में मुझे रोल थोड़ा सा छोटा लगा है, लेकिन ये है कि रोल है बहुत मज़े का, और जो इसमें चटनी की और जो इन्होंने बाकी जो अपने लवाजमात डाले हैं बहुत एक्सीलेंट है। हाँ, रोल साइज़ के हिसाब से और पराठा वराठा जो इसका इन्होंने बनाया है, छोटा पराठा बनाया है, तो उस लिहाज से जो है पैसों में ये रोल थोड़ा महंगा है। लेकिन मतलब मैं और अगर रोलों पर बनस्बत बात करूं तो ये रोल थोड़ा सा महंगा है साइज़ के हिसाब से, मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ है मलाई रोल की। तो भाई 200 रुपये में किसी दूसरी जगह अगर आप खाते हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे आपको वैरायटीज मिल सकती है, लेकिन यह है बस ये साइज़ इसका जो है वो छोटा है, बाकी ये है टेस्ट में आउट क्लास है। तो बाकी हम खा के बताते हैं।
हाँ तो उम्मीद है भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एंड तक तो लाजमी देखा करें। और बाकी ये है कि फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और देखते हैं कहाँ को हम रिव्यू करते हैं, क्या करते हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।